ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन और किए गए वादे पर रेलवे के द्वारा खरा न उतरने पर जहां किसानों के द्वारा लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं चार जिलों के सांसदों के द्वारा उक्त मामलों को राज्यसभा लोकसभा में उठाया गया, लेकिन अभी भी जमीन देने वाले किसानों के परिजनों को नौकरी नहीं मिल पाई। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस नेता कपिध्वज सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। श्री सिंह ने बताया कि ललितपुर रेलवे लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और नौकरी का आश्वासन दिया गया था। कुछ लोगों को तो नौकरी मिली, लेकिन अभी भी लगभग आधे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि बचे हुए सभी लोग पात्र हैं। आइए आपको सुनाते हैं कपिध्वज सिंह ने क्या मांग की है। मुद्दा यह है कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के तहत किसानन के भूमि अधिग्रहित कीन गए रही, बदले में मुआवजा और नौकरी के आश्वासन रेलवे विभाग द्वारा दीन गया रहा। आधे लोगन का रोजगार नौकरी उमा मिल चुकी है, परंतु 11/11/19 का एक नोटिफिकेशन आवा जिसके कारण आधे लोगन का नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि जो आधे लोग बचे हैं वो सब पात्रता रखत हैं 11/11/19 के पहले से। 11/11/19 के नोटिफिकेशन इन लोगों पर लागू नहीं हो, लेकिन रेलवे विभाग इनका नौकरी से वंचित रखे हैं। गरीब किसान हैं और वह बहुत ज़्यादा भूमि स्वामी नहीं है, छोटे छोटे भूमि के स्वामी हैं और उनका सब जमीन चली गई रेलवे में और नौकरी से वंचित। जितने प्लेटफॉर्म हो सकत हैं सब पर निवेदन किया जा चुका है, आवेदन दिया जा चुका है, परंतु 5 साल से किसानन के कोनो सुनवाई नहीं हो रही है। आज या आंदोलन के पूर्व कलेक्टर साहब का सूचना के माध्यम से बतावा गया है कि एक बार अपने स्तर से वो पता कर लें और किसानन के समस्या के निराकरण करें, और यदि अब निराकरण शीघ्र नहीं होए तो हम किसानन के पास आंदोलन के एकमात्र विकल्प बचत है। और आवे वाले निकट समय में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन होने वाला है, एमा हम सब सहयोग करे चाहे थे, परंतु यदि किसानन के मांग पूरी नहीं होए तो मजबूरन हम पंचे का रेल रोके के आंदोलन करे पड़ी। जौने क्षेत्र से ये रेलवे लाइन जा रही है वह क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करे के जिन नेतन का अवसर मिला है उनका शायद भावनात्मक लगाव इस क्षेत्र से बिल्कुल नहीं है। यह क्षेत्र के किसान मजदूरन से उनका कोनो लगाव नहीं, उनके पीड़ा से उनका कोनो रिश्ता नहीं है। यह कारण है कि प्रतिनिधित्व होए के बादो इस क्षेत्र किसानन के मजदूरन के और नवयुवकन के रोजगार के संबंध में कहाँ कबो कोनो बात नहीं रखी जाए, उदासीनता है नेतन की तरफ से। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।